पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही तकरार और बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी की ओर से 2 सीटें ऑफर करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसको लेकर गुरुवार को टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनसे कौन भीख मांगने गया है, हमें पता नहीं है क्या कि हमारे पास 2 सीटें हैं, ममता जी से कौन सीटें मांग रहा है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। ममता जी नरेंद्र मोदी जी की सेवा में लगी हुई हैं, कांग्रेस को ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने INDIA गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही थी। अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में INDIA में शामिल दलों के बीच गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। 30 दिसंबर 2023 को मुर्शिदाबाद जिले में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उन्हें समस्याएं होंगी, उन्होंने ही गठबंधन की संभावना को खत्म कर दिया है। अगर आप उनके भाषण सुनेंगे तो पाएंगे कि वो यहाँ गठबंधन नहीं चाहती हैं। कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से ये संकेत दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि INDIA ब्लॉक का गठन केवल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले करने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल में TMC ही BJP से लड़ेगी, जबकि INDIA ब्लॉक देश के बाकी हिस्सों में होगा। केवल TMC ही पश्चिम बंगाल में BJP को मात दे सकती है और पूरे देश में दूसरों के लिए एक मॉडल स्थापित कर सकती है। अधीर रंजन चौधरी ने तब कहा था कि कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे साथ आ रहा है या कौन हमें छोड़कर जा रहा है, हमने मुर्शिदाबाद में TMC और BJP को कई बार हराया है और हम फिर से हराएंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC ने पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को बहरामपुर और मालदा दक्षिण की सीटों पर जीत मिली थी।